क्वेश्चन नंबर सेवन में बेटा कह रहे हैं इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, आपको यहां पे बेटा कॉट थीटा दे दिया है 7/8, आपको फाइंड क्या करना है बेटा फर्स्ट पार्ट में, कह रहे हैं इवेल्युएट करो फर्स्ट पार्ट बेटा सॉल्व करेंगे पहले, इवेल्युएट करो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आपको कह रहे कि ये फाइंड कर दो बेटा, कह रहे कि ये वैल्यू फाइंड कर दो, ये जो पूरा इक्वेशन आपको दे रखे हैं इसको फाइंड कर दो। देखो और आपको दिया हुआ है कॉट थीटा, अब कैसे करेंगे बेटा कॉट थीटा की मदद से ये सब चीजें फाइंड। तो यहां पे आपको बेटा पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आप यहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हो तो फिर इसको सॉल्व करना बेटा थोड़ा सा इजी यहां पे हो जाएगा। कैसे करेंगे बेटा इसको सॉल्व, तो उसके लिए पहले तो मुझे यहां पे कॉट थीटा को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कॉट थीटा जो है मेरे पास वो है 7/8। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं यहां पे फिगर बनाता हूं, इस फिगर में ये मान लो 90 डिग्री है और इसको मैं थीटा मान लेता हूं, ठीक है, तो उसका मुझे नाम तो देना पड़ेगा सबका। तो देखो नाम ले लेते हैं, ये इसको मैं बी मान लेता हूं, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं सी मान लेता हूं, ठीक है। तो ए पे मेरा थीटा यहां पे, तो अब इसके अंदर थीटा अगर ये है तो इसके सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, नीचे वाला मेरा बेस हो जाएगा और 90 के ऑपोजिट वाला मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 7, तो 7 नहीं है बेटा बेस, 7x है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। तो रेशियो अगर 7 है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को मैं 7x लेट कर लूंगा यहां पे। और परपेंडिकुलर अगर मेरे पास 8 है तो ये 8 नहीं है बेटा, 8x है। तो यहां से मैं क्या करूंगा बेटा, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और यहां से h निकाल लूंगा। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, h² = p² + b² p की जगह आ जाएगा बेटा 8x का स्क्वायर और b की जगह आ जाएगा 7x का स्क्वायर। So, 8 की जगह आएगा 64x² प्लस 7 की जगह आएगा 49x². So, इसको प्लस करेंगे बेटा तो इसको प्लस करके आएगा 113x² अब ये स्क्वायर है बेटा h के पास, तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास h = √113x² h = बेटा 113x². अब अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो यहां पे जो ये 113 है ना, ये किसी का भी स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे जो 113 है वो तो मेरे पास अंडर रूट 113 रहेगा। और x का स्क्वायर का अगर मैं कटूंगा, कट करूंगा स्क्वायर से रूट को, तो वो कट के सिर्फ x आ जाएगा, क्योंकि दोनों का अपना स्क्वायर रूट होता है बेटा, 113 का अपना स्क्वायर रूट है और x स्क्वायर का अपना स्क्वायर रूट है। तो 113 किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो वो 113 स्क्वायर रूट में ही रहेगा और x स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो कट जाएगा, तो x बच जाएगा मेरे पास। अब क्या करना है बेटा, मेरे पास h आ गया यहां पे अंडर रूट 113x। अब मुझे निकालना है ये, बट इसके निकालने के लिए मुझे चाहिए यहां से साइन थीटा की वैल्यू, जो कि निकलती है बेटा p बाय h से। अब p है मेरे पास यहां पे 8x और h है मेरे पास यहां पे अंडर रूट 113x, 8x और अंडर रूट 113x, एक्स से एक्स कट जाएगा तो मेरे पास आएगा 8/113, वो भी अंडर रूट में, ठीक है। x की साइन थीटा की वैल्यू आएगी मेरे पास 8/113। सेम चीज कॉस थीटा के साथ करूंगा, कॉस थीटा, तो cos थीटा भी मेरे पास रिक्वायरमेंट में है ना, तो cos थीटा इसका फॉर्मूला हो जाएगा b by h, यानी कि b है मेरे पास 7x और h है अंडर रूट 113x। सो xx कट जाएगा तो 7/113 ही बचेगा। अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना है नाउ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या करेंगे बेटा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो मेरी ऊपर आइडेंटिटी लग रही है, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये तो आइडेंटिटी लग रही है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे भी आएगी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बेटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है माइनस साइन थीटा, साइन कितना है बेटा मेरे पास 8/113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस है मेरे पास 7 अपॉन
अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा तो कितना आएगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर आएगा 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय, इसमें आएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। अब क्या करो बेटा, ऊपर वाले का अपना एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, नीचे वाले का अपना एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ठीक है, ऊपर वाले का अपना एलसीएम लेके सॉल्व कर लो और नीचे वाले का अपना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखते हैं यहां पे। अगर यहां पे देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो इसका नीचे, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, ठीक है, तो 1 और 113 का एलसीएम 113 ही आएगा बेटा, 113, और इस 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 113 ही आएगा और माइनस 64 डिवाइडेड बाय, नीचे भी ऐसे ही होगा बेटा, नीचे भी ऐसे ही होगा, ये 1 है तो, और इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा 113 ही आएगा और ऊपर आएगा 113 माइनस 49। अब 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 49 डिवाइडेड बाय 113 और होल में, फिर ऐसे 113 में से 49 माइनस करेंगे तो आएगा 64 अपॉन 113। अब 113 से 113 कट जाएगा तो मेरे पास 49 अपॉन 64 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बेटा अगर आप सेकंड पार्ट देखोगे तो यहां पे आपको दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा आपको फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल है ये तो बेटा फाइंड करना, इससे खुद ही आपको कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है, देखो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है बेटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, तो इसका मतलब 7/8 का होल स्क्वायर। तो अगर आप 7/8 का होल स्क्वायर करते हो तो 7 का स्क्वायर आएगा 49 और 8 का स्क्वायर आएगा 64, आंसर खत्म।